हेलो स्टूडेंट्स, साजिद सर बॉटनी फर्स्ट ईयर प्लांट इकोलॉजी यूनिट टू क्वेश्चंस। टुडे आई एम डीलिंग विथ टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स विथ एग्जांपल्स। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स और उसके टाइप्स देखेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर इन वेरी वेट प्लेसेस आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। फर्स्ट लाइन क्या करता है, आपको डिफाइन करता कि हाइड्रोफाइट्स क्या है। कि स्टूडेंट्स हम हाइड्रोफाइट्स किसको बोलेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर वेरी वेट प्लेसेस, प्लांट्स विच आर हैविंग क्लोज एफिनिटी विथ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट। दीज आर क्लासिफाइड इन टू फाइव कैटेगरीज। कितने कैटेगरी है स्टूडेंट इसके, फाइव। फर्स्ट वन, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। पहला है इसमें फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ये क्या है, दीज आर फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द वाटर सर्फेस। ये वाटर सर्फेस पे फ्रीली फ्लोटिंग है, इसका कोई अटैचमेंट नहीं रहता, दे डू नॉट हैव एनी अटैचमेंट्स। एग्जाम्पल है इसका पिस्टिया, लेमना एंड सेल्विनिया। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल है किसके, फ्रीली फ्लोटिंग। फ्रीली फ्लोटिंग मतलब समझ जाओ आप सर्फेस पे फ्लोट होते रहते, वाटर करंट के साथ कहीं भी चले आ सकते हैं। रूटेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स। सेकेंड कैटेगरी क्या है, रूटेड हाइड्रोफाइट्स मतलब इसके रूट्स रहेंगे और लीव्स फ्लोट रहेंगे। रूट्स ऑफ दीज आर फिक्स विथ इनटू मड, ये मड में किचड़ में फिक्स रहते हैं इनके रूट्स। बट देर लॉन्ग पिट्यूलेटेड लीव, इसका लीफ जो है बहुत लॉन्ग रहता, कीप देम फ्लोटिंग ऑन आउटर वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस पे आ जाते, क्यों, क्योंकि इनके लीव्स लॉन्ग है, वो बाहर फ्लोट होते रहते। एग्जाम्पल है विक्टोरिया, निम्फिया, निलंबो, ये इसके एग्जाम्पल है किसका, रूटेड हाइड्रोफाइट विथ फ्लोटिंग लीव। पहला क्या है, फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। दूसरा क्या है, रूटेड हाइड्रोफाइट विथ फ्लोटिंग लीव। तीसरी कैटेगरी है सबमर्स्ड सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट। सबमर्स्ड सस्पेंडेड, सबमर्ज मतलब पानी के नीचे चले गए। दे आर नॉन रूटेड एंड आर कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर। इसमें रूट्स भी नहीं, ये पूरा पानी में डूबे हुए। नो कंटैक्ट विथ सॉइल, सॉइल के साथ कोई कंटैक्ट भी नहीं है इसका। एग्जाम्पल है हाइड्रिला, यूट्रिक्यूलेरिया, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नंबर फोर कैटेगरी पे आता है सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट्स। ये सबमर्ज क्या है तो, लेकिन रूटेड है, ये सबमर्ज है रूटेड नहीं है। सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट, दीज आर कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर एंड अटैच टू सबट्राइटम। सबट्राइटम मतलब सरफेस बाई देयर रूट सिस्टम। एग्जाम्पल वेलिसिनेरिया, इसमें और हाइड्रिला में फ़र्क क्या है, वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला में फ़र्क क्या है। हाइड्रिला क्या है, पूरा कंप्लीटली सबमर्ज है लेकिन रूट्स कंटैक्ट नहीं है सॉइल से, रूट्स का सॉइल से कोई कंटैक्ट नहीं है। लेकिन वेलिसिनेरिया में क्या होता, सबमर्ज रूटेड है मतलब इसके रूट्स सबट्राइटम से कंटैक्ट में, लॉन्ग रूट्स डीप डाउन जाके जो है सॉइल से कंटैक्ट में रहते हैं। नंबर फाइव कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन, एम्फीबियस प्लांट्स। एम्फीबियस प्लांट ये खुद भी वन मार्क में आ सकता है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता। वाटर एम्फीबियस प्लांट, एम्फीबियस प्लांट्स क्या है, दीज आर परफेक्ट पार्टली इन वाटर, ये थोड़ा पानी में रहेंगे, एंड पार्टली इन एयर, एम्फीबिया की एग्जाम्पल है। और इसमें एग्जाम्पल आप लेंगे लिम्नोफिला, सेगिटेरिया एंड रेमिनोकुलस। तो ये तीन टाइप्स इसके होंगे। तो ये क्या है, एम्फीबियस है स्टूडेंट, मतलब ये पानी में भी रहेंगे और लैंड में। इनका थोड़ा हिस्सा पानी में रहेगा, थोड़ा हिस्सा लैंड में रहेंगे। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम अब। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इसी का, ये यूनिट का, इन्यूमरेट द मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट। इससे पहले अब हाइड्रोफाइट्स के पूरे टाइप्स देख लिए, अब वो हाइड्रोफाइट्स का और नॉर्मल प्लांट्स में क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन हाइड्रोफाइट्स करते ताकि वो वाटर के एनवायरमेंट में यानी स्पेशल एनवायरमेंट में सर्वाइव होना। पहला मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, नंबर वन, रूट्स में भी एबसेंट, रूट्स रहेंगे ही नहीं शायद, जैसे कि बहुत ही पुअरली डेवलप्ड रहेंगे नहीं तो। इन सम प्लांट्स सबमर्ज लीव्स कंपनसेट फॉर रूट्स, वहाँ पे लीव्स जो है रूट्स का काम कर लेते हैं कुछ प्लांट्स में। एग्जाम्पल है हाइड्रिला। इसके बाद पिस्टिया, जैसा कि पिस्टिया में रूट्स एबसेंट ही रहते, रूट कैप्स आर यूजुअली एबसेंट, रूट कैप बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है लेकिन इसमें एबसेंट रहेंगे। बट इन एम्फीबियस प्लांट्स रूट्स आर वेल डेवलप्ड विद डिस्टिंक्ट रूट कैप। लेकिन एम्फीबियस प्लांट्स में क्या रहेगा, हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप भी रहेंगे और रूट्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप रहेंगे। इन सम प्लांट रूट कैप्स आर रिप्लेस बाय रूट पॉकेट्स, कुछ में क्या होगा, रूट कैप जाके रूट पैकेट्स आ जाएंगे। एग्जांपल क्या है उसका, पिस्टिया, उसको फ्लोट करने में हेल्प करने के लिए डेड वेट रहना, बल्कि रूट पॉकेट्स के ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसके अंदर मट्टी आ जाती। इसके बाद रूट्स आर मेनली एडवेंशियस, यहाँ पे कौन सा रूट सिस्टम मिलेगा स्टूडेंट्स, एडवेंशियस रूट सिस्टम मिलेगा, टैप रूट सिस्टम मिलने वाला ही नहीं यहाँ पे, टेरिटोरियल प्लांट्स में रहता टैप रूट सिस्टम। स्टेम इज लॉन्ग,
सिलेंडर एंड फ्लेक्सिबल एंड ग्रीन इन कलर। स्टेम लॉन्ग रहेगा, सिलेंडर धागे कैसा पतला रहेगा, डोरी कैसा रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा और ग्रीन कलर का रहेगा। फोटोसिंथेटिक रहेगा, लीव्स के साथ साथ स्टेम भी फोटोसिंथेटिक रहेंगे। लीव्स आर थिन एंड आइदर लॉन्ग एंड रिबन शेप। लीव्स भी थिन रहेंगे, चौड़े फैले हुए नहीं रहेंगे और लॉन्ग रहेंगे, रिबन शेप रहेंगे, लॉन्ग एंड लीनियर रहेंगे और फाइनली डिसेक्टेड रहेंगे या बिल्कुल पतले रहेंगे। फ्लोटिंग लीव्स आर फ्लैट विद देयर अपर सरफेस कोटेड विद वैक्सी कोटिंग। ऊपर के सरफेस पे लीव्स के क्या रहेगा, जो फ्लोटिंग लीव्स है पिस्टिया जैसा कि उसमें, उस पर वैक्सी कोटिंग रहेंगी ताकि ट्रांसपीरेशन जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना होगी। तो ये है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके सामने, और इसको अच्छी तरीके से सुन लो, सुन के जो है ना फिर आपके पास भी नोट्स होंगे, आपके पास भी स्टडी मटेरियल होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस रहता, जनरल पॉइंट्स पूरे वही रहते, उसको इसको कंपेयर कर लो या तो फिर ये वीडियो से ही सुन लो और वीडियोस को देख के फिर इसको आंसर्स को कॉपी करिए। टाइम कम रह गया है इंटरमीडिएट के लिए। एज मच प्रैक्टिस यू डू, एज मच स्टडी यू हार्ड, इट इज़ गुड फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।